नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ज्वर चिकित्सा अध्याय का फोर्थ पार्ट, और आज हम इसमें देखेंगे यवागु सेवन, ज्वर में यवागु सेवन कब करते हैं, इसमें घृतपान कब करते हैं, इसमें जो है शीरपान कब करते हैं, और भी कषायपान कब करते हैं, और इसके लाभ क्या क्या रहते हैं, इसमें अयोग क्या क्या रहते हैं, और इसमें कुछ प्रशस्त अन्न क्या क्या रहेगा ज्वर में, तो उसमें उसकी बात आज हम इस लेक्चर के थ्रू करेंगे। और चलिए देखते हैं, तो इसमें ज्वर में यवागु सेवन कब कराते हैं, तो इसमें वमितम वमितम लंघितम काले यवागु अभिर उपचारित, यानी वमित यानी वमन के बाद, लंघन के बाद जो है हमें यवागु सेवन और क्या करवाना है, मंड का सेवन करवाना है, तो मंड यवागु आदि का सेवन करा सकते हैं लंघन और वमन के बाद। और फिर इसमें बात की जाए यवागु प्रयोग काल क्या रहेगा, तो यवागु प्रयोग यावत ज्वर मृदु भावात, जब तक ज्वर जो है मृदु भाव ना हो जाए, और षट अहम वा विचक्षण है, 6 दिन तक जो है वो यवागु सेवन बतलाया गया है। और फिर बात की जाए इसके लाभ क्या क्या रहेंगे, ताश्च भेषज संयोग लघुत्वाच अग्निदीपना, यानी भेषज संयोग की वजह से और लघु गुण गुण की वजह से, लघु गुण की वजह से क्या करती है यवागु, अग्निदीपन होती है। और फिर वात मूत्र पुरीषाणाम दोषाणाम च अनुलोमना, अनुलोमन गुण जो है आपको याद रखना है। और फिर स्वेदनाएं, स्वेदन करती है किस गुण की वजह से, द्रव्य उष्ण उष्ण गुण की वजह से, द्रव के। और फिर त्रिट प्रशांतये, तृष्णा प्रशांत, तृष्णा को शांत कब करती है, किस गुण की वजह से, द्रवत्व गुण की वजह से। और फिर आहार भावात की वजह से ये प्राणाय है, और सर गुण की वजह से ये लघु है, और लघु गुण की वजह से ये अग्निदीपन है, और फिर ये ज्वर घनयो, ज्वर को नाश करेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। और फिर इसमें रिते मध्य समुत्थानात, यानी निरते रिते मीन्स इसमें ज्वर में उपचार करेंगे, इसमें ऐसा ये जो है इस यवागु का उपचार करेंगे, रिते मध्य समुत्थितात, यानी इनको छोड़कर किसमें यवागु सेवन नहीं करेंगे, मदात्ते मध्य नित्ते, यानी जो मद मद से जो है मध्य नित्य सेवन करते हैं, मदात्ते से पीड़ित हैं, उसमें ग्रीष्म ग्रीष्म पित्त कफ आदि के, ग्रीष्म ऋतु में और पित्त कफ का आधिक्य होने से, और उर्ध्व रक्त पित्त में जो है यवागु सेवन नहीं करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए, पित्त कफ दोष ज्वर में जो है यवागु सेवन नहीं किया जाता। और फिर चक्रपाणि ने यवागु को श्लेष्म वर्धिनी बोला है, चक्रपाणि जी ने यवागु को श्लेष्म वर्धिनी बोला है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है ये पीजीटी लेवल के लिए। और फिर बात की जाए इसमें तर्पण के बारे में बताया गया है, तो यवागु सेवन नहीं करेंगे इनमें, तो इसमें क्या सेवन करेंगे, तो इसमें हम करेंगे तर्पण का सेवन कराएंगे इसमें। और फिर बात की जाए इसमें तर्पण प्रयोग करवाएंगे, ओके। फिर इसमें बात की जाए नेक्स्ट दातुन विधान बताया गया है तर्पण के बाद, तो दातुन कब कराया जाता है, तो अन्न कालेषु भोजन के पहले रोगी को के मुख में जो रस हो उस रस के विपरीत जो है, तो अन्न कालेषु चप, और इसमें दंत धावनम, अन्न कालेषु और दंत धावनम, ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है, अन्न काल में, अन्न काल के बाद और अन्न काल से पहले सॉरी, और दंत धावन करवाएंगे उसमें, और इससे विपरीत जो रस है उसका दंत धावन कराएंगे, जो मुख में जो रस है। और फिर बात की जाए दातुन के प्रयोग के गुण क्या रहेंगे, तो इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चनिंग यहाँ से उठती नहीं है वैसे तो। और ये दातुन क्या करता है, मुख वैशद्य और प्रकाश प्रकाशाम और च अन्न पानीयो, और फिर रस विशेषाणाम अभिज्ञत्वम करोति यत, तो इसमें फिर ये ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन इतने राइज नहीं होते। फिर इसमें बात की जाए ज्वर में कषाय देने की अवधि बताई गई है, ज्वर में कषाय कब देंगे, तो आम ज्वर में क्या कौन सा कषाय देंगे, पाचन कषाय देंगे जो पाचन द्रव्यों से सिद्ध रहेगा, और निराम ज्वर में कौन सा कषाय देंगे, शमन कषाय देंगे निराम ज्वर में, तो पाचनम शमनीयम, तो ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। और फिर षड षड अहे अतीते, यानी षड अहे अतीते मीन्स 6 दिन व्यतीत हो जाने पर लघु अन्न का सेवन भोजन कराने के बाद जो है हमें कषाय सेवन कराना चाहिए, तो 6 दिन तक यवागु सेवन बतलाया था, और यवागु सेवन अगर नहीं करता है तो वो तर्पण सेवन करवाया था, और फिर अगर फिर 6 दिन के बाद किसका सेवन करवा रहे हैं, 6 दिन के बाद कषाय का सेवन करवा रहे हैं। और फिर आम ज्वर में पाचन कषाय, निराम ज्वर में शमन कषाय बतलाया है। और फिर इसमें बात की जाए नेक्स्ट रेफरेंस बताया है ज्वर चिकित्सा स्थान तीसरे 30 अध्याय का, ज्वरे पेय कषायश्च सर्पी क्षीरम विरेचनम
षड अहे देयम विक्षय दोष बलाबलम, यानी ज्वर पेय कषायश्च, यानी पहले पेय का सेवन कराएंगे 6 दिन तक, फिर कषाय का सेवन, फिर सर्पी का सेवन, फिर शीर का सेवन करवाएंगे, फिर विरेचन का सेवन करवाएंगे, तो ये 6 दिन तक करवाएंगे। तो ये कुछ बताया गया है इसमें, चरक चिकित्सा स्थान के ये रेफरेंस है 30 अध्याय का। और फिर बात की जाए नव ज्वर में कषाय सेवन से हानि क्या रहेगी, तो नव ज्वर में स्तंभयन्ते न विपच्यन्ते, यानी स्तंभन कोज कर देगा, स्टिफनेस कोज कर देगा और पाचन नहीं होएगा उस अगर कषाय सेवन करा दिया तो उसका, तो कषाय सेवन अगर जो है नव ज्वर में करा दिया तो इससे क्या होगा, पाचन नहीं होगा एक तो उसका, और वो क्या करेगा स्तंभता स्टिफनेस इसमें मेनली स्तंभन कोज कर देगा, वहां पे रुकावट कोज कर देगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा विषम ज्वर कोज कर देगा। और नव ज्वर में करा दिया अगर कषाय का सेवन तो विषम ज्वर कोज करता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और फिर यह कषाय कषाय है स्यात से वर्ज्य तरुण ज्वर है, यानी वर्जन वर्जित रखना चाहिए तरुण ज्वर में कषाय का सेवन। और क्यों बताया गया है, तो विषम ज्वर कोज करता है, ये तो एक वर्ड का क्वेश्चन बन सकता है, ये नव ज्वर में कषाय सेवन क्यों नहीं बताया, तो विषम ज्वर कोज करता है, तो ये क्वेश्चन उठ सकता है यहाँ से। और फिर घृत पान इन ज्वर, घृत पान बताया गया है ज्वर में, तो इसमें उधर्वम कफे मंदे, यानी जो कफ के मंद होने पर, या फिर जो है वात पित उत्तरी ज्वरे, यानी वात पित प्रधान जो ज्वर है उसके परिपक्वेशु दोषेशु, उसके परिपक्व जो दोष हैं, दोष के पाचन होने के बाद जो है उसमें, फिर 10 दिन के बाद दोषानुसार औषध सिद्ध जो है हमें घृत पान कराना चाहिए, सर्पिश पानम यथा अमृतम, वो अमृत के समान कहलाएगा, और औषध सिद्ध करवाना चाहिए मेनली उधर्व कफ, उधर्वम अतः उधर्वम ऊपर चिकित्सा से ना ट्रीट हो, यानी जो हमने पिछली जो चिकित्साएं बताई हैं जैसे यवागु सेवन कषाय सेवन बतलाया गया है, तो अगर उससे अगर ट्रीट ना हो ज्वर तो इसमें क्या कराएंगे, तो इन अगर ये लक्षण दिख रहे हैं आपको कफे मंदे, मंद जो कफ जो है वो मंद है, और वात पित उतरे ज्वरे, वात पित प्रधान ज्वर है, और परिपक्व दोषेशु जो दोष है वो परिपक्व हो चुके हैं, यानी 10वें दिन जो है औषध सिद्ध जो घृत का पान कराना चाहिए इसमें, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, कफे मंदे वात पित उतरे ज्वरे, तो ये कुछ रेड लाइन से जो रेड पेन से जो अंडरलाइन है वो आपको अंडरलाइन कर लेनी चाहिए, और यहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं। और फिर बात की जाए घृत पान अब अपवाद क्या रहेगा, तो निर्दशा अहमपि ज्ञात्वा कफो उत्तरम लंगितम अलंगितम, और न सर्पी पायेद वैद्य कषाय स्तम उपचारेत, यानी इसमें क्या करेंगे अगर 10 दिन बीत जाने पर भी जो ज्वर है उसमें कफ उत्तरम लंगितम, यानी जो कफ की प्रधानता है, कफ मंद नहीं हुआ है, और अलंगितम जो है लंगन के जो है पूर्ण लक्षण नहीं दिख रहे हैं, उसमें क्या करेंगे सर्पी पानम नहीं कराएंगे, यानी घृत पान नहीं कराएंगे, उसमें क्या कराएंगे कषाय पान करवाएंगे। ओके, और फिर इसमें बात की जाए ज्वर में दुग्ध पान काल क्या रहेगा, तो इसमें दाह तृष्णा परितस्य वात पित उत्तरम ज्वरम, यानी दाह तृष्णा से पीड़ित और वात पित प्रधान अगर ज्वर है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट है फिर इसमें बद्ध प्रच्युत दोषम जो है बद्ध हो रखे हैं दोष, और प्रच्युत अपने स्थान से जो है विचलित हो रखे हैं दोष, अपने स्थान से प्रच्युत हो रखे हैं दोष, तो उसमें क्या कराएंगे दुग्ध पान कराएंगे। वा निरामम पयसा जयेत, यानी निराम जो ज्वर है उसमें क्या कराएंगे पयसा, यानी जो दुग्ध पान कराएंगे इसमें दाह तृष्णा परितस्य वात पित्र, ये जो लक्षण दिख रहे हैं जब हम दुग्ध पान कराएंगे तो ये इंपॉर्टेंट है, बद्ध प्रच्युत दोष में जो है हमें दुग्ध पान कराना चाहिए। और फिर इसमें ज्वर में विरेचन अवस्था क्या रहेगी, तो ज्वर में विरेचन की अवस्था अक्षीण मास बल मास अग्नय, तो ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें, अक्षीण बल मास, यानी अगर क्षीण जो है बल्क मास अगर क्षीण नहीं हुआ है तो उसमें इस कंडीशन में क्या कराएंगे विरेचन करवाएंगे, तो इसमें अगर विरेचन से क्या लिया जा रहा है, चक्रपाणी जी ने वमन और विरेचन दोनों लिए हैं विरेचन से, और अगर क्वेश्चन में आ जाए विरेचन कोई भी एक पूछ रहा है तो इसमें विरेचन जो है वो आपको बतलाना है, विरेचन ऑप्शन टिक करना है आपको, अगर दोनों पूछ रखे हैं वमन विरेचन तो उसमें चक्रपाणी टीका ने दोनों बताए हैं इससे विरेचन से कोरिलेट करके, वमन और विरेचन दोनों बतलाए हैं इससे। ओके, और फिर बात की जाए शीन व्यक्ति में वस्ती और दुग्धपान, तो इसमें पैसा तस्य निरुआ,
इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं उठते यहाँ से, और इसमें फिर इसमें ज्वर अनुवासन की व्यवस्था क्या रहेगी। तो अगर ज्वरे पुराने, ज्वर जो है वो पुराण हो गया है, और आफ्टर 12 डेज यानी आफ्टर 12 डेज हमें जो है अनुवासन करा सकते हैं। और रुक्ष बद्ध पुरीषाय, अगर रुक्ष रुक्षता है, बद्ध पुरीष जो है, पुरीष जो है वो बद्ध है, पुरीष जो है उसका श्राव जो नहीं हो रहा है, निकल नहीं रहा है पुरीष, तो उसमें क्या कराएंगे अनुवासन, रुक्ष बद्ध पुरीषाय, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रुक्ष बद्ध पुरीषाय। और ज्वरे पुराने, पुराण ज्वर में क्या कराएंगे अनुवासन करा सकते हैं। और फिर बात की जाए ज्वर में अनुवासन वस्ती, ज्वरे पुराने इसमें फिर ये तो बता ही दिया मैंने आपको, और फिर इसमें ज्वर में नस्य बताया गया है। तो इसमें ज्वर में नस्य, यहाँ से मतलब मेनली ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज नहीं होता वैसे, जीर्ण ज्वर में नस्य करवाते हैं। और गौरवे शीर्ष, सिर में गौरवता है, शूले विबद्ध विबद्धेश इंद्रियेशु, यानी शूल है विबद्ध इंद्रिया, जो इंद्रिया है वहां पे विबद्धता है, और अपने विषय को इन और अपने विषयों को जो है ग्रहण नहीं कर पा रही है सही से इंद्रिया, और मेनली इसमें जीर्ण ज्वर में जो है नस्य करवाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और फिर इसमें कुरियान मूर्द विरेचनम रुचिकरम जो है ज्वर में नस्य देते हैं। और फिर ज्वर में धूपन बतलाया गया है, तो धूपन अंजन योगश योगश्च, धूपन करा सकते हैं, अंजन करवा सकते हैं, किसमें, जीर्ण ज्वर में, निराम ज्वर में नहीं कराएगा, आम ज्वर में नहीं कराएगा, जीर्ण ज्वर में करा रहे हैं। और जब ज्वर जो है त्वग मात्र शेषा, यानी त्वग में जो है त्वचा में अगर ज्वर आश्रित है, तब हम क्या कराएंगे, धूपन यानी धूप का, ज्वर में धूप देनी चाहिए और अंजन का सेवन कराना चाहिए, अंजन लगाना चाहिए। और फिर ज्वर में प्रशस्त अन्न कौन सा कहा गया है, रक्तशाले आदेय और पुराण षष्टिक, यहाँ से एक क्वेश्चन उठ जाते हैं, रक्तशाली और पुराण षष्टिक जो है ज्वर में प्रशस्त अन्न बतलाए गए हैं। और फिर मंड कुछ हमें आगे हम मंड लाजपेया वगैरह यवागु पढ़ेंगे, तो इसमें क्लियर होना चाहिए मंड क्या है, यवागु क्या है। तो चावल के अंदर जो है 14 गुना अगर पानी मिला दिया जाए और फिर इसका पाक किया जाए, तो अगर सिक्त वी रहित जो जो यानी जो सिक्त है, जो सॉलिड पार्ट है उसको अलग कर दिया जाए और लिक्विड लिक्विड पार्ट बच जाए, तो उसको मंड कहेंगे, 14 गुना पानी डालकर। और फिर यवागु यवागु से यवागु क्या रहेगा, चावल के अंदर 16 गुना 6 गुना पानी मिला दिया जाए फिर उसका पाक कर दिया जाए, तो उसमें फिर जो है यवागु कहलाएगा वो। और इसमें फिर प्रशस्त अन्न हमने देख लिया। और फिर इसमें बताया जा रहा है शुद्ध शुद्धा अल्प अग्निर आदित है, यानी शुद्ध यानी भूख अल्प लगी हुई है, शुद्ध लगी हुई भूख लगी हुई है और अल्प अग्नि है, तो उसमें क्या कराएंगे, लाज पेय का पान कराएंगे, पिपली नागर श्रिताम, यानी शुंठी और पिपली से साधित जो है लाज पेय का पान कराएंगे। यहाँ से मेनली क्वेश्चन उठ जाते हैं, शुद्ध अल्प अग्नि में किसका सेवन करा सकते हैं, लाज पेय में किसका, पिपली नागर श्रिताम, पिपली नागर मिलाकर शोंठ से पकाई हुई धान का लावा जो है ये वागु सेवन करा सकते हैं लाज पेय। तो इसमें यहाँ से मेनली ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं उठते पर क्वेश्चन उठ जाते हैं, और यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए। और मेनली इसमें अगर अमल अभिलाषी है, और इसमें क्या कराएंगे, अमल दाढ़ी और शुंठी, अमल अभिलाषी अमल दाढ़ी, ऐसे आप याद कर सकते हो शुंठी का। और फिर इसमें अगर श्रिष्ट विट पैतिको, यानी श्रिष्ट विट यानी जो विट है यानी जो मल है वो अगर नहीं निकल पा रहा है, बहुत ज्यादा निकल रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, शीताम मधु युताम पिबेत, यानी मधु मिलाकर जो है शीत पियेंगे, श्रित शीत मधु मिलाकर, श्रिष्ट वीत हो रखा है यानी अतिसार जैसी कंडीशन आ रखी है ज्वर में, तो उसमें क्या कराएंगे, पेया को ठंडा करके पिलाएंगे, अमल दाडिम वगैरह शुंठी मिलाकर, अमल 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 अभिलाषी को। मेनली यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा हूँ मैं, अमल अभिलाषी को कौन सी पेया पिलाएंगे, दाडिम और शुंठी मिलाकर। और अगर श्रिष्ट विट की अगर कंडीशन आ रखी है, अतिसार और पैतिक अतिसार हो रखा है, तो उसमें इसको ठंडी करके पिलाएंगे मधु मिलाकर, ओके। और फिर इसमें अगर पाशर्व बस्ती शिरो रुजा, यानी पाशर्व में बस्ती में शिरो रुजा हो रखी है, तो उसमें गोक्षुर और कंठकारी मिलाकर जो है स्वदंष्ट्रा कंठकारी भ्याम, ये मिलाकर जो है पेया पिलाएंगे। और फिर बात की जाए ज्वरा अतिसारी है, ज्वर में जो है अतिसार जैसी कंडीशन आ रखी है, तो उसमें प्रश्न पर्णी यानी मेन जो पहली ड्रग आप याद रख लेना, प्रश्न पर्णी बला बिल्व, तो ये मेन पहली ड्रग आप याद रख लो, बाकी आपको जो है क्वेश्चन में मिल जाएगी।
तो प्रश्न पर्णी आप याद रख लेना, ज्वर अतिसार में प्रश्न पर्णी जो है, प्रश्न पर्णी से साधित जो है पेय पिलाएंगे। फिर अगर काशवासी हिक्का है, काशवासी हिक्का रखा है ज्वर में, तो उसमें विदारी गंध और दीपनी जो है वो, यहाँ से क्वेश्चन उठ भी चुका है प्रीवियस AIA PGT टेस्ट एग्जाम में, और विदारी गंध जो है काशवासी हिक्का जनित ज्वर में विदारी गंध सिद्ध जो है पेय पिलाएंगे। और फिर अगर विबद्ध वर्चा है तो उसमें कौन सी, यव के साथ पिपली और आमलकी मिलाकर जो है सै एवं पिपली आमलकई, तो ये यव के साथ पिपली आमलकी मिलाकर विबद्ध वर्चा में, यानी जो है कॉन्स्टिपेशन टाइप से हो रखा है, विबद्ध वर्च हो रखा है। और इसमें फिर बात की जाए कोष्ठे विबद्धे सै रुजी, रुजा के साथ अगर कोष्ठ विबद्ध हो रखा है तो उसमें क्या करेंगे, द्राक्षा और पिपली मूल का कहीं यूज नहीं किया और इसमें यूज कर रहे हैं विबद्ध, और सैर ऊर्जा के साथ अगर कोष्ठ विबद्ध हो रखा है तो इसमें द्राक्षा और पिपली मूल आप इससे याद कर सकते हैं। और फिर बात की जाए इसमें ज्वरे सै परिकर्तिका, यानी परिकर्तिका टाइप्स जो है कैंची के समान जो है वेदना हो रही है ज्वर में, तो उसमें क्या करेंगे, बिल्व बला और अमल द्रव्य से युक्त जो है पेय का पान कराएंगे, बिल्व बला और अमल द्रव्य से युक्त। तो यहाँ से क्वेश्चन मेनली अराइज हो जाते हैं बाय चांस। और फिर इसमें अस्वेदनी तृष्णार्ते, यानी अस्वेदनी और तृष्णा में क्या पान करवाएंगे, कौन सी पेय का, शुंठी और आंवले का, शुंठी और आंवला युक्त पेय का, जवागु का मेनली पेय में जवागु। और फिर इसमें ज्वर में जो है शाक प्रयोग बताया गया है, पटोल पत्रम सैफलम, पटोल पत्र की शाक मेनली है इसमें, मेनली यही रहे, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं उठते। फिर इसमें ज्वर तृष्णा और दोष पाचनार्थी में वर्ज्य क्या रहेगा, तो इसमें उष्ण उष्णोदक, तो ज्वर तृष्णा में कर्तव्य क्या रहेगा अपना, तो इसमें उष्ण अम्बु का पान करवाएंगे इसमें, और घमार यानी घमार अम्बु चय अनुपानार्थ, यानी उष्ण उष्णोदक से आप याद कर सकते हो, और उष्णोदक पान कराएंगे। फिर इसमें बात की जा रही है दोष पातनार्थ की दृष्टि से वर्ज्य क्या रहेगा, तो गुरु उष्ण स्निग्ध जो है, जो रस है मधुर कषाय रस, और गुरु उष्ण स्निग्ध जो गुण वाले जो आहार विहार हैं और मधुर कषाय रस जो है वो वर्जित रहेंगे दोष पाचनार्थ की दृष्टि से, ज्वर में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। गुरु उष्ण स्निग्ध, गुरु उष्णिग्ध तो आपको मेनली आपको पता भी चल रहा होगा ज्वर में गुरु उष्ण जो है आहार विहार नहीं लेने चाहिए, और उष्ण जो है ये थोड़ा सा आप थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेना, उष्ण जो है, उष्ण भी जो है गुण वाला जो आहार है वो उसका भी सेवन जो है वर्ज्य बताया गया है, और मधुर कषाय भी आपको मेनली आप गैस कर सकते हो। और यहाँ का जो आज का लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है, ओम धन्वंतराय नमः, और थैंक यू आज के लिए इतना ही, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, और ये मेरा नंबर है, आप कोई भी डाउट है तो यहाँ पे पर्सनली भी पूछ सकते हो 701555 2076, तो यहाँ पे भी आप पूछ सकते हो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।